हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकरलाल जाट है। मैं आपको कक्षा 9 और 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और अपने यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री होगी। तो इसमें अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ने को मिले। तो आज अपने देख लो, चैनल का नाम है शंकरलाल लांबा मैथ्स एजुकेशन। शंकरलाल लांबा मैथ्स एजुकेशन, ये अपने चैनल का नाम है। तो आज हम कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में पढ़ेंगे आज कक्षा 10। लेकिन ये 10वीं और 9वीं और 9वीं से छोटी जितनी भी क्लासे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहली है अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं एन से, नेचुरल नंबर। इस ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 1, 2, 3 डैश 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 इनफिनिटी। दूसरी आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किससे? डब्ल्यू से, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो जिसमें जीरो, 1, 2, 3 डैश 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 इनफिनिटी। तीसरी आती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को लिखते हैं अपन इंटीजर आई से, पूर्णांक संख्या लिखते हैं इंटीजर आई से। तो ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाए उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। माइनस डैश 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 डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इंफिनिटी। चौथी आती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो परिमेय संख्या किस रूप की संख्या आएगी? परिमेय संख्या पी बट्टा क्यू की संख्या आएगी, जहां पर क्यू का मान जीरो नहीं हो। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पी का मान भले ही जीरो हो सकता है लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल देखो आप, इसके एग्जाम्पल 2/3, 4/9, 0, 1, 3/7, ये सारी संख्या है। इस प्रकार की संख्या है जो पी बटा क्यू के रूप में हो लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जीरो है, ये जीरो अंश है, इसके हर में कितना है? हर में कितना होगा? जो ए होगा, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पर अंश का मान जीरो है, हर का मान एक है, तो क्यू का मान जीरो नहीं है ना, पी का मान तो जीरो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख लो। अब आती है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। तो जिसमें देखो पाई, ई, √3, √7, √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ध्यान रखना। √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √9 का मान अपन जानते हैं, 9 का वर्गमूल कितना? 3। तो ये किसमें जाएगी? ये जाएगी परिमेय संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में, प्राकृत संख्या में जाएगी। तो इसका ध्यान रखना √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, √3 है, √7 है, ई है, पाई है, तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या होगी। जैसे √16 हो गया, तो √16 का मान कितना होता है? √16 का मान होता है 4, यानी 16 का वर्गमूल कितना? 4। यानी 16 कैसे आएगा? किस संख्या को दो बार गुणा करेगी 16 आ जाए? तो कितने को? 4 को दो बार गुणा करेगी, 4 × 4 16 हो जाएगा। किस संख्या को दो बार गुणा करेगी? 9 आ जाए।
तो बहुवन संख्या होगी तीन, तीन को दो बार गुणा करके तीन इंटू तीन तो कितना जाएगा नौ। ओके दोस्तों अब आती है वास्तविक संख्याएं। अब आती है वास्तविक संख्या। रियल नंबर इसको कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो जिसमें परिमेय संख्या जैसे दो बटा तीन, तीन बटा चार ये परिमेय संख्या है, और ए परिमेय संख्या जैसे पाई, रूट छ, रूट दस, ये सारी रूट छ रूट दस इस प्रकार की संख्या आएगी। यानी परिमेय संख्या परिमेय प्लस ए परिमेय दोनों आ जाएगी वास्तविक संख्या, परिमेय प्लस ए परिमेय दोनों संख्या आ जाएगी वास्तविक संख्या। कौन सी परिमेय भी आएगी और ए परिमेय भी आएगी। ओके दोस्तों इनको अपन इससे यहाँ पर आप अगली कक्षाओं में पढ़ोगे, जब आप 11th और 12th में पढ़ोगे तो आप यूनियन लिखोगे ऐसे यू यू टाइप का सी में लिखोगे, इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है परिमेय और ए परिमेय संख्या दोनों का योग, वो होता है वास्तविक संख्या। ठीक है तो आज ये संख्या परिमेय है इनको उतार लो। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाएंगे इसमें। उतार लिया। अब देखो अब अपन ने कौन कौन सी संख्या पढ़ी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी छह संख्याएं पढ़ी अपन ने। महत्वपूर्ण रूप से छह संख्या होती है, तो पहली कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या आएगी, उसके बाद आएगी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद आएगी पूर्णांक संख्या, उसके बाद आएगी परिमेय संख्या, उसके बाद आएगी ए परिमेय संख्या, फिर आएगी वास्तविक संख्या, एक संख्या और होती है सम्मिश्र संख्या, लेकिन वो अपने कोर्स में है नहीं, वो आगे 11th 12th उसमें आप मैथमेटिक्स लोगे तो उसमें पढ़ोगे आप। सम्मिश्र संख्या होती है उसको सी से डिनोट करते हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर अपने एक बड़ा गोला बनाते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, ये होगी अपने पास परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के अंदर आएगी ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। ओके बच्चों तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी के सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती। इसका मतलब आप यहां समझ रहे होंगे, पहले प्राकृत संख्या आएगी, फिर पूर्ण संख्या आएगी, फिर पूर्णांक संख्या आएगी, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय जितनी संख्याएं हैं इन सारी संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या बनती है। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।